ये आपने स्टार की सरसों है 10-15 की, और इसके अंदर बढ़िया बुंटो है, जोरदार टोपको है, और फलियाँ फुलियाँ अगर वगैरह सब टोप की है, कोई झाड़ को नहीं, एकदम बढ़िया जड़ा को नहीं फली, एकदम सफाई है। आ देख सो दे है जितनी बढ़िया जोरदार सस्यू है, लकड़ी बीज भी बढ़िया है, उपज भी बढ़िया है। थले देखो एक पौधा है, पौधे से पूरा चीज पूरी कवर की थी हुई है, पूरा बहुत बढ़िया क्वालिटी की सरों है। इसका जो फुटान वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है, और इसका जो ग्रीननेस है वो भी सबसे ज्यादा है इस सरसों की, और जो इसका झुकाव है वो भी बहुत भयंकर तरीके से इस साइड झुकी हुई है सरसों, और इसमें जो फुटान है वो भी नीचे से जबरदस्त ले रखी है इस सरसों ने। इसमें जो भी तने इसके निकले हुए हैं वो ज्यादा शाखाएं फैली हुई है इसकी। इसमें कटाएंगे तो सूख जाएगी तो जड़ेगी नहीं, एक पहली ये विशेषता इसकी खास है। दूसरी कम पानी के अंदर होने वाली है, और इसमें कोई रोग नहीं आया सरसों के अंदर अभी। इस बीज का सीड भी बढ़िया है, और इसमें कोई बीमारी नहीं आई सूरज में, और बीज का भी चमकदार था दाना, और बढ़िया ट्रीटमेंट किया हुआ था, काफी अच्छा बीज था ये। अब की बार फसल में थे, देखिए अभी मौसम वाली काफी बड़ो इशू रहा है ठंड का कारण, ज्यादा बीमारियां ठंड का कारण आवे, तो अब की बार इसी फसल का किस्म का माँ बीमारियां इसी देखने को मिली भी, बहुत ही बढ़िया है। बीमारियों का सामना कौन करना पड़ो, झड़ती मौसम को हिसाब हो भी, इस मौसम में फसल में बीमारियां बहुत ज्यादा परी में कौन आई। धान भाइयों मैं थानो रिक्वेस्ट करूँ भी अगले गड़े 10-15 लगा के देखो, बढ़िया वैरायटी है, कुछ कुछ लगाओ, झाड़ भी अच्छा है। आतो रात के बिची बिची मान के चला भाई झाड़ होसी, पूरी निकालने के बाद बता देंगे। किसान भाइयों राम राम।